हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद कश्मीर में कितना बदलाव आया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कहूंगी सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया है कि कोई पहले कश्मीर जाता नहीं था, अनसेफ माना जाता। अब देखो कितने व्लॉगर्स, कितने लोग, कितने टूरिस्ट जा रहे हैं, वही सबसे बड़ा बदलाव है यार। इससे बड़ा बदलाव क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? राइट, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी स्टेट के मॉल्स आएंगे, लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से इंडिया के वहां रहने जाएंगे तो पता लग जाएगा एवरीथिंग इज बिकमिंग बेटर। नहीं, और ये बनेगा स्विट्जरलैंड, इंडिया का स्विट्जरलैंड बनेगा, लिखवा लो मुझसे। अच्छा, ये 10 वाली है और ये 5 वाली छोटी है। और यहाँ पे हम खा सकते हैं भाई? एक हम भी ट्राई करते हैं। इधर आपको दिखाते हैं पहले तो डो किस तरीके से। ये खमीरा आटा है, कोई कोई डिफरेंट मैदा है और इसको भैया दो हाथों से लड्डू की तरह गोल दो दो इसको बनाने के लिए टूटते हैं सुबह। हाँ जी, सुबह 2 बजे? अरे वाह, क्योंकि लोगों को 4 बजे चाहिए है ना, और जैसे 2 बजे काम करने आते हैं। वाह, आप वेट कर रहे हैं, आप रोटी की वेट कर रहे हैं है ना। बढ़िया यार, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखो इधर लड्डू की तरह इसको बेल के, तो ये देख के दो दो हाथों से लिख लेते नहीं लिख लेते दोनों हाथों से ऐसे बेल के गोल घुमा के, और फिर इसके पेड़ जो साइज भी सेम उतने। आपका नाम? बीच में मुदस्सिर भाई। आटा भी निकाल निकाल के सेम साइज बना रहे हैं। ये किसे उंगली से बना रहे डिजाइन? ऐसे 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 चाहिए यार, हमें देखने में लग रहा है कि फटाफट से हो जाता है। कैसे बना रहे हैं? पेड़ा उठाया इसको ऊपर से। ये दही लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं सर? पाउडर। अच्छा, दूध पाउडर, दूध। ये दूध उंगली से कर रहे हैं, नेल से और उंगली से। ये गई सीधा तंदूर में, और भाई ये तो हमने देखा कि तंदूर में अंदर हाथ डालते हुए पाउडर मिल्क दिख नहीं रहा, पर टेम्परेचर अभी 5 डिग्री के आसपास है और ठंड हो रखी है, और ठंड में यहाँ पे तंदूर का सेक बड़ा जबरदस्त। इनको तो अच्छी गर्म गर्म तंदूर में बढ़िया गिरदा। सर यहीं से हम खरीद सकते हैं ना आपसे? तो एक दीजिए प्लीज। कश्मीरी जायकों की जो शुरुआत बटर के साथ, लोकल्स की तरह यहाँ पे श्रीनगर में गिरदा, मुझे नहीं पता था ये बटर के साथ ऐसी कोई होती है। इसके साथ नून चाय पीते हैं ना? नून चाय इसके साथ, नून चाय, कावा तो पता है, कावा। जी जी जी, तो सर दीजिए एक गर्मा गर्म गिरदा दीजिए। ये देखिए सीधा गिरदा बोलते हैं, और हम उठा सकते हैं इसे। तो ये देखो भाई, हमने ये उठाया और अभी इसका करते हैं टेस्ट टेस्ट। बटर नहीं डालेंगे वो तो बटर। अच्छा, काट के जैसे रोटी खाते हैं। जी जी भाई, बहुत गर्म है यार, मजेदार। आइए बटर का है, चल के खाते हैं। आइए भैया जी, एक तो बता दीजिए दुकान का नाम क्या है अपनी? लाइट चलेगी। अच्छा, नाम नहीं रखा है, मुदस्सिर के नाम से दुकान है। और भैया किस एरिया में है? डल गेट के पास मुदस्सिर भैया की दुकान है, और यहाँ से हमने लिया है जी एक गिरदा, और अभी इसकी बाइट लेते हैं। कश्मीर में दिन की शुरुआत गिरदा के साथ, और बढ़िया तंदूर का जो एक अरोमा आ रहा है, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है पीछे से, स्मोकी अरोमा आ रहा है। कैमरा उठाया, अरे वाह, क्रिस्पी है। अरे वो मुझे मन कर रहा है टेस्ट करने का, मुझे भी लग रहा है। सर्दी में धुएं और गर्मा गर्म रोटी कैसा है? बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर है इसमें, वाकई ना तो नमक है। अच्छा। ना ही मिठास है, एकदम न्यूट्रल है, और खमीर का फ्लेवर भी नहीं है। अच्छा, मतलब एकदम न्यूट्रल फ्लेवर है और कड़क एकदम। ये वही तो मैं कह रही हूँ, मैं बड़ा वो इसके साथ करीज वगैरह भी खाते हैं, इसके साथ कोई तरी वाली चीज, तरी वाली चीज खा लो, ये सब सब। इसलिए मैंने बोला न्यूट्रल टेस्ट रखते हैं इसका, ताकि ये हर एक चीज के साथ हम खा सके। मजेदार है भाई, टेस्टी लग रहा है। ये क्या आया, ये क्या है? गलत टाइम में दे रहा, बिना खाना खाए आ जाते हैं देखने, पहले खा के आना चाहिए। यार पहले बता दिया करो खाने वाली वीडियो है, खा पी के बैठू, जान नहीं कर रही है देख कर। भूखे लोगों को बोलते थे वीडियो देख के रिएक्शन करो। अरे तो अभी हम है जी डल गेट के पास, और हम यहाँ पे आए जी आपको बहुत ही जबरदस्त
कश्मीर का एक स्ट्रीट फूड दिखाने से। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, बहुत बढ़िया। तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिलाल है। मुझे बिलाल अहमद जी। बिलाल जी मुझे एक चीज बताइए कि कितना पुराना आपका सेटअप है, और मैंने सुना है कि आप अपने पिताजी के काम को, आपके वालिद साहब जो है उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बुरीटो टाइप बना रहे हैं छोटे से। एक्चुअली हमारे पापा यहाँ बैठते थे, उनके बाद अब मैं बैठता हूँ। करीबन 25 साल हुए, 25 ईयर्स। ये हमारा पुश्तैनी काम है। दाल क्या रहे तो बता। ये हमारा पुश्तैनी काम है। अब नया नया लोग ढूंढते हैं, नया नया ट्रंस ढूंढते हैं। लोग सोचते थे अब ये क्या है, ये कैसा है, अब इसका वैल्यू और ज्यादा बढ़ गया है। अब हर एक जगह मिलता है। क्या? आप गुलमर्ग जाओ, पहलगाम, ये वाली चीज जो पहले ही यहाँ ही मिलता था। इसका नाम है, कश्मीरी में बोलते हैं इसको मसाला रोटी। जी, ओ मसाला रोटी। असल में ये है ही मसाला रोटी। ये रोटी है, ये चटनी है और ये मसाला है। जी, ये प्याज की चटनी है। जी, प्याज की चटनी। और रंग किस चीज का है? मिर्च का। मिर्च का, आधी किसी को, आधी चीज का रंग है। प्याज की चटनी है और साथ में दही है, जीरा, जीरा उसको दो में करके किया, धनिया होती है। जी, और होता है इसमें सूखा पुदीना, 4-4.5 किलो दही इसमें होते हैं। जी हाँ, दही शायद आप उनके लिए लाते हैं जो मिर्ची ज्यादा नहीं खाते हैं ना। हाँ बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चे भी खाते हैं। जी, कोई बच्चा प्रेफर नहीं करता है मिर्ची, आजकल के बच्चे खाते हैं। बच्चों के लिए बनवा रही होंगी ना छोटे छोटे। लगा के दिखाइए सर, ये कैसे लगाते हैं? कोई बात, ये देखिए, ये एक एक हाफ है ऑप्शन और एक फुल का ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन। जी, और ये कितने का रहता है हाफ और फुल? ये 10 रुपए का हाफ है, 20 रुपए का फुल है। 10 का हाफ 20 का फुल, और कागज के अंदर रैप करके पैक करा लो या फिर आप यहीं पे खा लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। और ये जो प्याज की चटनी है ना भाई, मुझे लग रहा है सारे मसाले, सारा फ्लेवर जो इसी में है। चलना। और सर ये जो मसाला रोटी रहती है, मैदे की, आटे की, मैदे की रोटी है, और इसको खमीर भी करते हैं। हाँ हाँ, खमीर करके बनाते हैं। बढ़िया। ये क्या डाल रहे हैं? मतलब चने का मलीदा करके डाल। हमारा यहाँ खुद का है ये और ये। जी, ये मसाला और चटनी। जी, और सर मैंने एक चीज और सुनी है कि ये जो काम है आप कभी भी छोड़ सकते हैं, पर आप छोड़ते नहीं है क्योंकि आपके। जी बिल्कुल सही सुना है। जी क्या? ये हमारा काम है, ये बाबूजी का काम है, छोड़ नहीं सकते। जी, बाबूजी के सामने करते हैं और उसका दिल खुश रहता है कि हमारे हमारे बच्चे करते हैं। बाबूजी वो पीछे वाले तो नहीं है? हम ये नहीं सोचते है, आखिर भी फुल। और एक चीज और मैंने सुनी है कि आपका एक बड़ा अच्छा स्टाइल है, आप वरना गाड़ी में यहाँ आते हैं। हाँ। और वरना गाड़ी में आके आप अपने पिताजी का या अपने वालिद साहब का जो काम है उसको आगे बढ़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कश्मीर का फेमस मसाला है। जी जी, बना रहे एक मिनट की ब्रेक में। जो फेहरान पहना है ना, ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है। कश्मीरी फेहरान है जी, ये हमारा रीति रिवाज का फेहरान है। वाह वाह वाह, ये कश्मीरी पहचान है। जी जबरदस्त। और ये मसाला जी, ये ठंडे के मौसम में हर कोई खाता है। ठंडे के मौसम में इसको, इससे गर्मी आती है। गर्मी आती है, देखा भाई, जबरदस्त। आप बोला ना सर, एंजॉय करिए आप भी। थैंक यू। ओके 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 जी, एक बनाइए सर हमारे लिए प्लीज। तो ये देखिए, हम बनवाएंगे, ये मैदा की रोटी है जी, टॉर्टिया, और ये नान भाई जो है वो बनाते हैं, और ये प्याज और ऊपर से छोले, प्याज की चटनी, छोले लग रहे हैं चने में, साथ में ये दही, और दही है सर, और थोड़ा सा सर ये गर्म मसाला है, सारे मसाले, सारे स्पेशल मसाले। तो ये है जी 20 रुपए का, और ये देखो अनरैप कर दिया ताकि खाना आसान हो जाए। अच्छा, शुक्रिया। वैसे ही अपनी लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट बता दीजिए अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो। बिल्कुल, डल गेट बाजार में आप जाओ। जी, जेके बैंक हमारे यहाँ बड़ा चीज है। जे एंड के बैंक है जी। हाँ, इधर इसके एकदम बगल में यहाँ से बनाई जा रहे हैं, जब से एक मिनट में समय भी कोई ना कोई आई जा रहा है। कितने बजे तक होते हैं आप? विंटर में 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। जी, और समर में? समर में सवेरे 7 बजे आ जाओ, 12-1 बजे तक। जी ठीक है सर, पैर तक होते हैं चले जाते हैं, हाफ टाइम काम करते हैं। एक महीना छुट्टी रहती है। कौन सा महीना सर? माह रमजान के महीने। अच्छा, रमजान के महीने। हाँ, वाह वाह वाह, रमजान के महीने में छुट्टी रहती है, अदरवाइज आपको ये पूरा साल मिलेंगे। और भाई क्या ही जबरदस्त ये चीज है, एक आइटम ने पूरे कश्मीर का दिल जो है वो अपने साथ। नई नई चीजें देख रही हूं मैं भाई साहब। ये है श्रीनगर की बहुत ही ज्यादा मशहूर मसाला रोटी, और उन्होंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दी है, बट मैं चाहता हूँ एक बहुत ही बड़ी सी बाइट जो है वो पहली बाइट में ले लूँ ताकि सारे फ्लेवर्स घुल जाए। हम लेते हैं, ऊपर वाला थोड़ा खाली है ना, भूख लग रही है मेरे को।
ये ना बहुत जाना पहचाना फ्लेवर है, दिल्ली के जो छोले कुलचे होते हैं ना ये वैसा सा फ्लेवर है, पर वहाँ मटर होते हैं, ये एक्चुअल में छोले हैं और इसके साथ वो जो प्याज की चटनी है ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्याज की चटनी, प्याज की चटनी ने जादू कर दिया है, ये हर शहर में मिलनी चाहिए यार, बहुत बढ़िया है। और दही, ओ दही भी यार, मैंने अभी बनाए हैं छोले, चने बनाए हैं, बस मलीदा करने हैं, मलीदे कर लो और दही, दही और ये प्याज की चटनी कैसे बनती है, कोई रेसिपी भेजो तो मैं भी ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा लगा था, नहीं भूख लग गई मेरे को तो सच्ची में, मतलब अपने फादर का बिजनेस था तो चला रहे हैं, जस्ट फॉर कि फादर को खुशी मिल रही है देखते हुए कि मैं मेरा बिजनेस बेटा मेरा कर रहा है। आधा दिन आते हैं, आधा दिन करते हैं, फिर चले जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, वही तो कह रहे हैं कि वो कभी भी छोड़ सकते हैं, मतलब उनको जरूरत नहीं है ये करने की, पर अपने फादर की खुशी के लिए कि भैया फादर ने बिजनेस करा हुआ है तो मैंने उसको बंद नहीं करना, वो उसको करा रहे हैं। और इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि जितनी देर ये बात कर रहे थे उनका हाथ रुका ही नहीं एक सेकंड, वो बना ही जा रहे हैं, बना ही जा रहे हैं और लोग आ ही जा रहे हैं, लोग आ ही जा रहे हैं भाई, कोहोर्ट लाइन लगी हुई थी लगता है लोगों की, लोग इतने थे और उसके बाद कमाल। और कहते हैं ये सर्दियों में ज्यादा खाते हैं क्योंकि ये गर्माहट देती है, ये देखो कमाल, इतनी सस्ती यार, आपको 10 और 20 रुपए में ये मिल रहा है, इतना सस्ता हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते यहाँ पे ऐसा कुछ मिले, कमाल है, दिस इज इंडिया यार। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं भूखे पेट, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भूखे पेट फिर से, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।